नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। जनपद इटावा के बसरियर क्षेत्र में बिजली कटौती से मचा हाहाकार। बसरियर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत किल्ली सुल्तानपुर बसरियर बिजली घर से किल्ली सुल्तानपुर फिटर से 38 गांव लगते हैं, जिसमें रसूलाबाद, बदमाश, सावरण, रजपुरा, सरैया, ताड नंगला, बेरी, आयारा, जैतपुर, रेटौली अनेक गांव। जनपद में विभाग ने शहर में 24 और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे सप्लाई का रोस्टर बना रखा है। कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बुरा हाल है। लोगों को महज 6 से 8 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बिजली कटौती से परेशान किल्ली सुल्तानपुर सोमवार सुबह 9 बजे प्रदर्शन भी किया गया और बताया सरकारी गोदाम से लेकर करीब लगभग 2 किलोमीटर तक एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई दी जा रही है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है अंबेडकर नगर किल्ली मोहल्ले में करीब 100 मकान हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, वहां पर लाइट, पंखा, कूलर, पानी के लिए समर नहीं चल पा रही है। इसी विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया इसकी शिकायत भारतना SDO और जेई और मुख्यमंत्री या पोर्टल पर भी की गई और इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया शनिवार को किल्ली सुल्तानपुर में जन समस्या सुनने के लिए पहुंचे। वहां पर ग्रामीणों ने शिकायत की। उनके आदेश होने के बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली की समस्या ये है साहब कि हमारी कट के लाइट आती है रात में, हम लोग मच्छरों से बहुत परेशान हैं, बीमारियां फैल रही हैं, बुखार से सब लोग पीड़ित हैं। 24 घंटे में कितनी लाइट मिलती है? मुश्किल से 6 घंटे बस 6 से 8 लाइट आती है। नहीं कहता बिल भत भत मारे जा रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपया बिल भत चुके। अच्छा कितनी लाइट आती है? कितनी नहीं आती है, नहीं कहूँ आइए तो आइए ना आइए तो नहीं के बात। 24 घंटे में कई घंटा चल जाती है? घंटा 2 घंटा मुश्किल में नेका तो कहूँ आते कहूँ तार में लगा तो बस आती नहीं लाइट, नहीं आते। कब से परेशानी है? अरे परेशानी है 2-3 साल परेशान, पूरे काम न मोबाइल चार्ज होते हैं, न कूलर चलता है, न पंखा चलता है, कुछ भी नहीं चलता। अच्छा तो ये ट्रांसफार्म कहाँ रखा है आपका? यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर होगा। दूर कितने दिन से परेशानी है? लगभग 2-3 साल हो गए। कोई सुनवाई है? हमारे यहाँ बत्ती तो ऐसी नाम मात्र के लिए आती है, तार घर होते लाल, न पंखा चल रहा है, न लाइट जल रही है, कोई मोबाइल तो कोई टॉर्च से काम कर रहे हैं, और कहीं 3 साल हुए परेशान हैं। और बत्ती वाले जो कर्मचारी हैं वे घर में जाए के न मीटर चेक करते हैं, न कसी चेक करते हैं, और वैसे बिल दिखाकर तैयार कर देते हैं। अच्छा हाँ, और बिल हम पे इतना लगता है, वो RC कट गई बेचारे जो कि कतई काम नहीं कर रहे, और जिनके पंखा वो मतलब न पंखा चल रहे, न कोई समरन चल रहे, न TV चल रहे। आपके यहाँ ट्रांसफार्मर कितनी दूर लगा है? 2 किलोमीटर लगभग। हाँ।